नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम यह लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉग इन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा मंडी जिला में सिराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी क्षेत्र में 14,36,00,000 रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने खोला नाला खड्ड पर 1,67,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 25 मीटर स्पैन पुल, 1,56,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खोला नाला के अतिरिक्त भवन, 1,55,00,000 रुपए की लागत से पंजाई में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के भवन, 2,74,00,000 रुपए की लागत से सोम नाचिनी में बनने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने 1,46,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शार्टी के विज्ञान प्रयोगशाला भवन और 78,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का भी शिलान्यास किया। शिमला से सिराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, काम हमारे विकास के रुके ना, विकास के कार्यक्रम हमारे चलते रहे, उसमें विलम्ब ना हो। सभी साथियों के साथ चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने ये तय किया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बाली चौकी क्षेत्र में हमारे, जिसके लिए हमने बजट प्रोविजन किया हुआ है, टेंडर की हमारी औपचारिकता भी उसमें पूर्ण है। अब हमको तुरंत उन काम को शुरू करना चाहिए। कोविड का ये संकट मालूम नहीं कब तक चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में बिना विलम्ब किए हमने तय किया कि अब इस कार्यक्रम को हमको शुरू करके एक बार इसका शिलान्यास करना चाहिए। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 14 करोड़ से ज्यादा की, 14.5 करोड़ के लगभग जो सारी योजनाएं आज जो एक साथ हम बाली चौकी में हम जिनका हम शिलान्यास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार बनने के बाद हमारे क्षेत्र के लिए इतने बजट का प्रावधान हो पाएगा ये संभव नहीं लगता था, लेकिन आप सबके स्नेह और आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में इस बड़े दायित्व का निर्वहन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और उस वजह से हमने सराज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो चीजें आप लोग कहते गए, उन चीजों को हम करते रहे। बहुत सारी चीजें हमारी पीएससी की बिल्डिंग के साथ साथ में सीएससी की बिल्डिंग, सब डिवीजन की बिल्डिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर जो बहुत लंबे समय से लंबी थी, उन सभी चीजों को हमने शुरू किया है। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी वो सारे भवन जो जिनका हमने शिलान्यास किया है, जिनके काम हमने शुरू किए हैं, वो पूर्ण हो जाएंगे। और जो शिलान्यास किए हमने पहले, जिनका काम चला हुआ है, मुझे जानकारी मिली है कुछ जगह गति अच्छी है, पुल के बारे में अच्छा बताया, और उनकी ब्रिज के बारे में भी कहा कि उसमें भी काम चला है, ठीक तरह से चला है। और सड़कों के काम को लेकर के मैंने आप सबके बीच में एक बार नहीं अनेक बार अपनी बात कही है, सड़कें हमने काफी पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ एक गाँव ऐसे रह जाता है जहाँ सड़कें अभी पहुंचने को बाकी है, वहां भी हम काम करेंगे। लेकिन जो प्रोजेक्ट हमारे इस वक्त जो ऑन गोइंग है, जो चले हुए हैं, उसके लिए तेज गति से हम काम करें। उनकी कंप्लीशन जो डेट हमने निर्धारित की है, उसी डेट के अंतर्गत बहुत सारे पूरे होने चाहिए, ये भी मेरा सबसे निवेदन है। इसके लिए मैं सबसे सहयोग भी चाहूंगा और अधिकारियों से मेरे इस बात के लिए आदेश कहना है कि वो उस बात को सुनिश्चित करें कि समय के अंदर जो है सारे विकास कार्य पूर्ण हो। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि थाची महाविद्यालय के लिए वन प्राधिकरण ने वन संबंधी स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब केवल उच्च न्यायालय से स्वीकृति लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होगी, इस भव्य भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कोविड के संक्रमण को फैलने के दृष्टिगत जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के बचत भवन में अधिकारियों के साथ जिले में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चंबा जिला की आवश्यकता और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला के कोविड रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट चिकित्सा अधोसंरचना सुनिश्चित करेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में जिले में कुल 713 सक्रिय कोविड रोगियों में से केवल 68 रोगी अस्पताल में भर्ती हैं और अन्य होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए जिले में बिस्तरों की क्षमता को 200 तक बढ़ाने को कहा है। इससे न केवल रोगियों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध होगा बल्कि उन्हें उपचार के लिए अन्य जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को राज्य को अतिरिक्त डी टाइप सिलेंडर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार होम आइसोलेशन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और लगभग 90% कोविड 19 रोगियों को होम आइसोलेशन के अंतर्गत रखा गया है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के साथ स्वास्थ्य मापदंडों पर निरंतर निगरानी रखने का आग्रह किया ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सके। उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चयनित प्रतिनिधियों से इन रोगियों की देखभाल के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का भी आग्रह किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जांच में तेजी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को इस वायरस के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने जिले में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के निर्माण स्थल का दौरा किया और निष्पादन एजेंसी को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अब की बात का ये संक्रमण बहुत ज्यादा तेज है, स्प्रेड इसका बहुत फास्ट है और स्प्रेड फास्ट होने के साथ साथ में इसकी फैटलिटी जिसको हम कह सकते हैं मृत्यु दर भी वो भी बहुत ज्यादा है। जो भी सावधानी इस दृष्टि से बताई गई है उनका हमको पालन करना है। आखिरकार हर रोज कड़े निर्णय करने की परिस्थिति इसलिए हमारे सामने आ रही है क्योंकि जब समाज उन सारी चीजों को ग्रहण नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, इस वायरस की गंभीरता को नहीं समझ रहा है, तो उस सूरत में निर्णय सरकार को लेने पड़ते हैं। वास्तव में मेरा मानना है ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ गई। पर ऐसे में मेरा विनम्र निवेदन है सभी प्रदेशवासियों से कि बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता अभी मेन पावर की बात है। खासतौर से चंबा में हालांकि हम मेडिकल कॉलेज खुलने के बावजूद भी अभी तक स्टाफिंग के बहुत सारी थे। उस दृष्टि से जो हमारे कुछ एक पोर्शन तो हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमने आदेश दे दिए, जितनी जरूरत जहां जहाँ भी है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, चाहे हमारे क्लास फोर जो है वार्ड बॉय है, स्थायी कर्मचारी है, हमारे चाहे वो नर्सिस हैं, नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो हमारे दूसरे जो है मेल इंस्पेक्टर है, जहाँ से उपलब्ध हो पाते हैं जो आवश्यकता के अनुसार उनको आउटसोर्स करने की हमने कहा कि जहाँ करने की जरूरत है वो भी चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो MRI और CT स्कैन के बारे में 20 करोड़ रुपए के जो है उसमें लागत आएगी इन दोनों चीज़ों के लिए। NHPC ने उसमें से 10 करोड़ रुपए हमको जो है CSR के अंतर्गत जो है उपलब्ध करा दिए हैं। 5 करोड़ के लिए उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए हम भी देंगे, हम और देंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है पहले माना जा रहा था कि 10 करोड़ के अंदर आ जाएगी, लेकिन वो जब जिस कंपनी के मशीन लगाने को मालूम पड़ा कि 20 करोड़ के लगभग उसकी कॉस्ट जाएगी, तो ऐसी सूरत में 5 करोड़ रुपए उन्हें और देने की बात, यानी कि 15 करोड़ रुपए वो देंगे और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो रहता है अमाउंट का 5 करोड़ का उसको हिमाचल प्रदेश सरकार उसको ग्रहण करेगी ताकि CT स्कैन और MRI की यहाँ पर जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त जो अगला विषय आता है जो हमको बेड कैपेसिटी के साथ दूसरा इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट इसमें है वो है हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता। ऑक्सीजन हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में शॉर्ट नहीं, हमारे पास सिर्फ दिक्कत एक ही चीज़ की आ रही है कि यहाँ
हिमाचल में सिलेंडर जो है खाली सिलेंडर हमारे पास उतना नंबर में होना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं। हम कर रहे हैं, हमने केंद्र सरकार के लिए लिखा है और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम देश बैनर में देखा, हमने 5,000 डी टाइप सिलेंडर केंद्र से मांगे हैं और 3,000 सिलेंडर जो है बी टाइप जो है वो भी मांगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें से एक पोर्शन हमारे पास बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। चंबा से ऑक्सीजन के लिए गाड़ी को मंडी जाना पड़ता है, मंडी से गाड़ी को भर करके जाना है। आज हमने चर्चा की है और सेक्रेटरी हेल्थ के साथ बातचीत करके हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कांगड़ा के अंतर्गत एक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो अपने बहुत जल्दी एक्जिस्टेंस में आइटम फंक्शनल करने की हम कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वो फंक्शनल होता है उसके पश्चात वहाँ से चंबा की सप्लाई ऑक्सीजन की मंडी से नहीं वहीं से हो, क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट हमको वही पड़ता है और तब वहाँ से आने के बाद वो उसको सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश ने आबकारी एवं कराधान विभाग की सभी शीर्षों से अप्रैल 2020 तक की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अप्रैल 2021 में राजस्व प्राप्तियों में 9% वृद्धि दर्ज की है। पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान 76 करोड़ रुपए के मुकाबले इस वर्ष अप्रैल 2021 तक 642 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। यह सकारात्मक रुझान विभाग के बेहतरीन प्रदर्शन वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में 4% वृद्धि दर्शा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2021 में मूल्य वर्धित कर वैट में 119%, कराधान राजस्व में 32% और राज्य वस्तु एवं सेवा कर GST में 19% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कर चोरी से संबंधित मामलों की पहचान और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए राज्य की राजस्व हानि के तरीकों की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया जगत से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि महामारी के इस दौर में पत्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने पत्रकारों से पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति सदैव कटिबद्ध रहने का आह्वान किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 664 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 12 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 649 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 15,32,255 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 14,18,776 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,05,296 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 83,598 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 20,060 व्यक्ति उपचाराधीन है। कंपोनेंट ऑटोमोबाइल, आपकी कार के लिए एक ऐसा नाम जो आपकी कार को आधुनिक रूप से रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग और सर्विस दे। फिर चाहे आपकी कार मारुति सुजुकी हो, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा या फिर होंडा हो, आपकी कार के लिए आधुनिकता और विश्वसनीयता का बस एक ही नाम, कंपोनेंट ऑटोमोबाइल। कंपोनेंट ऑटोमोबाइल सेल, परचेज, सर्विस, स्पेयर्स, कार वॉशिंग, होरंज, जिला हमीरपुर। फोन नंबर 8219466867।